गुड मॉर्निंग. अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड अ वाइटल पार्ट इज लंग्स. मेरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ब्रदर्स इस टॉपिक को बेहद पसंद करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत जरूरी भी है. बिकॉज यू नो वेरी वेल एजुकेशन ऑलवेज पेस. अगर आप अपने आपको नॉलेजेबल अच्छा बना लेते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी भी कंपनी में जब जाते हैं डेफिनेटली दे वुड आस्क यू सडन क्वेश्चंस व्हिच आर साइंस बेस्ड और आप बेहतरीन तरीके से उन्हें जवाब दे सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं द लंग्स. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और मुझे लगता है बहुत सी आज कंपनीज इसके ऊपर बहुत सी ड्रग्स भी बना रही है क्योंकि डिजीज भी बहुत फैल रही है. आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की क्या होते जा रही है. आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेजिंग इज अ प्लेस इन चाइना स्टूडेंट. उसके बाद दिल्ली का नंबर आ रहा है और बहुत अच्छे से जान लीजिए पॉल्यूशन प्रॉब्लम जो हमारे लंग्स को बहुत इफेक्ट कर रही है. तो ऑब्वियस है डिजीजेस मेडिसिन की तो जरूरत पड़ेगी राइट. तो चलते हैं हमारे टॉपिक में. द टॉपिक नेम इज लंग्स एंड वी नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि अगर मैं यहां से शुरुआत करूं तो हम अच्छे से जानते हैं सबसे पहले दो नोस्ट्रल्स, ये रहे आपके नोस्ट्रल्स. उसके बाद आता है हमारा नेजल चैम्बर, उसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर वर्ड नेसोफेरिंक्स. स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है नेसोफेरिंक्स ये फेरिंक्स का ही पार्ट है. अगर आपने मुझसे पर्टिकुलर डाइजेस्ट सिस्टम सीखा था ऑब्वियस है आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, फेरिंक्स देखा था तो उसके अंदर क्या क्या वर्ड था स्टूडेंट्स फेरिंक्स. तो ये फेरिंक्स का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है बस ठीक है विंड पाइप में डायरेक्ट जाता है और इसके बाद शुरू आता है हमारी ट्रैकिया जिसको मैंने अभी भी बोला था विंड पाइप. विंड पाइप कवर्ड होती है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर कवरिंग होती है इसके ऊपर विंड पाइप के ऊपर. रीजन इज ओनली वन, छल्ला टाइप लगा होता है ताकि क्या हो बिल्कुल ताकि रीजन इज ओनली वन ताकि वो कोलेस ना हो. इसलिए इंटरनल हाफ इस पे एक रिंग टाइप शेप्ड होती है. अब हम चलते हैं आगे की हमारी जो ये जो ट्रैकिया है जिसे मैंने विंड पाइप बोला इस पर ही एक लैरेंस है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं जहां साउंड बॉक्स वॉइस बॉक्स. तो स्टूडेंट्स ये क्यों वर्ड यूज किया था, रीजन इज ओनली वन क्योंकि लैरेंस से हमारी साउंड बाहर निकलती है. हम जो भी बोल रहे हैं दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ लैरेंस. तो यहां पर एक एपिग्लोटिस होता है जब हम भोजन करते हैं यानी कि जब हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं एट दैट टाइम हम क्या होता है हमारी नली तो एक ही चल रही है ना सांस की तो उसमें क्या होता है एपिग्लोटिस बंद हो जाती है. कब, जब हम कुछ निगल रहे होते हैं यानी कि स्वालोइंग के टाइम ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है ताकि एयर का पैसेज वाला हमारी जो नली है उसमें क्या ना चला जाए भोजन ना चला जाए और चला जाता है तो क्या होता है राइट कफिंग शुरू हो जाती है. एग्री करते हो. चलते हैं हम आगे हमारे टॉपिक को और कवर करते हैं लंग्स टॉपिक. यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात सबसे पहले कि जो राइट लंग है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है लेफ्ट लंग साइड में छोटा होता है. अच्छा आपको बता दें कि छोटा क्यों होता है तो शायद आपको यहाँ हार्ट दिख भी रहा होगा तो हार्ट को कवर करने के लिए हार्ट को स्पेस देने के लिए आप अच्छे से जानते हैं दिल कहाँ धड़कता है. दिल धड़कता है लेफ्ट साइड. एक्चुअली होता तो ये सेंटर में ही है बस ऐसा थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है तो इसलिए कहा जाता है कि बिल्कुल दाएं पर्टिकुलर लेफ्ट साइड क्या धड़कता है दिल राइट दैट इज योर हार्ट. तो उसके उसको स्पेस देने के लिए ये जो लंग्स है ये पर्टिकुलर लेफ्ट लंग है ये छोटा होता है और राइट लंग हमारा बड़ा होता है. स्टूडेंट्स मैंने आपको एक सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक दिया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको कैसा लगा जरूर बताना. छोटी सी गलती थी उसके लिए माफी चाहूंगा. आपने छोटा सा नोटिस किया था मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट राइट साइड ऑफ द उसको प्लीज टर्न कर लेना. छोटी सी गलती आ गई थी राइट. स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे क्या मिस्टेक है. अगर आप इंटेलिजेंट हैं या मेरी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नॉलेज मिल गया होगा कि कहां मिस्टेक थी. उसके लिए हम रिग्रेट करते हैं सॉरी फॉर दैट. पर हमने अपने कई लेक्चर्स में इंटीमेट किया है बच्चों को तो बच्चे समझ गए होंगे कि हाँ लेफ्ट को राइट मान लेफ्ट को लेफ्ट राइट को लेफ्ट मान है ठीक है. हम बढ़ते आगे हम चलते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ लंग्स पर उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो ट्रैकिया है वो जाता है सबसे पहले ब्रोंकस में कन्वर्ट होते हैं. ट्रैकिया आगे आगे जाता है ब्रोंकस बन जाता है ब्रोंकस ब्रोंकाइल्स में बन जाते हैं ब्रोंकाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद एल्वियोलाइज बन जाते हैं. एल्वियोलाइ में आपको कहूंगा एक वैस्कुलर चीज है बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल अटैच्ड होती है ऑलमोस्ट ब्लड वेसल से. यानी कि जब हमें सांस लेना है या जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम सीख रहे थे तो हमने एक बात नोटिस की थी कि हमारा जो लंग्स का जो कार्य है वो ब्लड को प्योर करता है अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो एल्वियोलाई वो प्लेस है जहां पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है. यानी कि क्या होगा कि ब्लड वेसल से ऑक्सीजन दी जाती है उसे और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है. यानी कि लंग्स क्या कर रहा है लंग्स कर रहा है कि इम्प्योर ब्लड को क्या कर रहा है प्योर कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर रहा है. इसे बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इट टेक प्लेस इन एल्वियोलाई. बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स आप गिन भी नहीं सकते 500 मिलियन 300 मिलियन इसके रेशियो के बीच में होती है. आप सोचिए हमारे हार्ट लंग्स के अंदर कितना पर्टिकुलर चीजें दबी हुई है और बोर्ड ने क्या तरीके से मशीनरी बनाई है. पर इस टॉपिक को हमें करना है क्योंकि कल जब आप एमआर बनना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपसे मैनेजर्स कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं जो आपके नॉलेज को टच करते हैं और अगर आपने अपने नॉलेज को अपडेट कर लिया तो डेफिनेटली नोबडी कैन
पर्टिकुलर डिफीड यू स्पेशली इन दिस पार्ट दैट इज योर नॉलेज पार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है स्टूडेंट। इसके साथ में आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आई प्रमोट माई बुक ऑल्सो विद 70 बेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यू नो वी हैव अ यूनिवर्सल इंट्रो बुक उन मेडिकल रैप्स के लिए जिनको इंग्लिश थोड़ी कम आती है, इसमें मार्केटिंग पोर्शन भी ज्यादा होता है और थोड़ा एलेबोरेट ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं। उसके अलावा हम मेडिकल रैप्स को एक MR की बुक भी रेफर करते हैं, यानी कि MR को दो बुक रेफर करते हैं, एक करते हैं हमारी MR बुक और दूसरी यूनिवर्सल। रीजन इज ओनली वन, क्योंकि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बुक है उसमें हमने साइंस का पोर्शन अबंडेंस दिया है, यानी कि आपको नॉलेज बेस्ड चीजें बहुत दी है। मगर अगर आप कहते हैं सर मुझे इंटरव्यू भी क्रैक करना और मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है और मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, मेरे को चाहिए कि मार्केटिंग पार्ट भी मैं कवर करूं, तो बिल्कुल सेकंड बुक यूनिवर्सल बुक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके साथ साथ हम आपको 7 डेज के लिए इन्वाइट भी करते हुए, आपने हमारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें आपने हमारे पास स्टूडेंट हैदराबाद से देखा होगा, मुंबई से देखा होगा, ओडिशा से देखा होगा और जम्मू कश्मीर से भी देखा होगा, एंड दे हैव कम टू अस फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स, या फिर उन्हें इंस्टीट्यूट खोलना था, उन्हें खुद की कंपनी खोलनी थी। आपने बहुत से हमारे पास ऐसे बच्चे देखे होंगे जो हमारे पास अलग अलग जगहों से आते हैं एंड दे वांट टू ओपन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी खोलना चाहेंगे उस समय भी आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की, तो नॉलेज आपके काम आएगा। इसके साथ साथ हम आपको 7 डेज के लिए इन्वाइट भी करते हैं, आपको ट्रेन भी करते हैं, और अगर आप नहीं आ सकते तो हम टेलीफोन प्रिपरेशन भी अवेलेबल करवाते हैं और करवा भी रहे हैं अपने बच्चों को अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो बच्चे भी संतुष्ट है हमसे। चलते हैं हम आगे एडवर्टाइजमेंट में, तो करना था स्टूडेंट्स इट्स अ पार्ट। हमने फंक्शन में देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को समझा दिया एल्वोलाई के थ्रू, ये सारा फंक्शन था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मैंने आपको अच्छे से एलैबोरेट कर दिया। हम चलते हैं नए वर्ड में, होम्योस्टेसिस, बड़ा अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है, इसके अंदर मैं कहूंगा कि ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो जो सिस्टम है यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स जो अपने आप जो चल रहे हैं उनकी जो फंक्शंस है, जैसे पर्टिकुलर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना बिल्कुल लंग्स रखता है, इसके साथ साथ फ्लूइड रेगुलेशन बिल्कुल लंग्स रखता है, पीएच का लेवल मेंटेन करना लंग्स रखता है, शुगर का लेवल मेंटेन करना लंग्स रखता है। तो देखिए होमोस्टेसिस ये फंक्शंस है जो पर्टिकुलर लंग्स कार्य करता है, इसके साथ साथ होमोस्टेसिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी हमारा लंग्स ही कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। तो हमने नोटिस किया कि हमारे लंग्स कितने ज्यादा कार्य कर रहा है, राइट, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आपको एक मजे की बात बताया था, मैंने लिख भी दिए नीचे कि दुनिया में अगर किसी आदमी के पास 2 लंग्स की जगह 1 लंग्स हो तो भी वो जिंदा रह सकता है, राइट, यूनिक बात आपके लिए। चलते हैं आगे, कुछ फैक्ट्स है स्टूडेंट्स, जैसे लंग्स इज अ ओनली ऑर्गन इन द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर पानी में रख दिया जाए तो वो तैरने लगेगा, बाकी कोई भी ऑर्गन तैरेगा नहीं, लंग्स तैरेगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, तो आप देख लीजिएगा कि रीजन क्या है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो एल्वियोली है वो कवर्ड होती है पर्टिकुलर प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आपको बता दूं ये प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को फ्रिक्शन से बचाती है। देखो डायफ्राम की वजह से क्या होता है, हमारा लंग्स बार बार पंपिंग, राइट, ऑक्सीजन आई बड़ा हो गया, राइट, ऑक्सीजन गई। तो आपने नोटिस किया कि रामदेव बाबा जी कहते भी है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करो ताकि आप अपनी पर्टिकुलर लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सको, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है धीरे धीरे। हम वर्कआउट्स वगैरह नहीं करते, हम अपने रनिंग नहीं करते तो हमारी हार्ट बीट तेज नहीं होती, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं आती प्रॉपर, हम जानते हैं ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो प्लूरल मेम्ब्रेन ये रही स्टूडेंट्स कवर करती है लंग्स को, क्यों करती है, फ्रिक्शन से बचाने के लिए। इसके अलावा भी हमारे लंग्स सेफ एंड सिक्योर रहते हैं किसके अंदर, रिब केज के अंदर, और रिब केज बहुत नया वर्ड है और आपके लिए जरूरी भी है। रिब केज स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हड्डियों का ढांचा होता है, कवर्ड होता है फ्रंटल पार्ट में स्टर्नम से, और जो बैक पार्ट है वो कवर्ड होता है वर्टिब्रल पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो वर्टिब्रास होती है ना वहां पर, उससे अटैच होता है ये स्टर्नम से अटैच। तो आपने एक बात नोटिस करी कि हमारा जो रिब केज है उसके अंदर ये लंग्स सेट होता है, यानी कि बहुत सेफ एंड सिक्योर होता है, अच्छी सी सेफ्टी होती है, राइट। अब हम चलते हैं, हमने लंग्स का फंक्शन देख लिया, हमने पर्टिकुलर फैक्ट्स देख लिए, अब हम चल रहे हैं हमारे दूसरे फैक्ट के अंदर। अगर लंग्स को खोल दिया जाए, एल्वियोली मैंने कितने गए थे आपको, बहुत ज्यादा गए थे आपको ध्यान है, तो अगर लंग्स को ओपन कर दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट कवर हो जाएगा, एंटायर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा एंटायर, इतने ज्यादा एल्वियोलाइज हमारी बॉडी में होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे, द फैक्ट्स दैट इज 70% ऑफ द वेस्ट इज एलिमिनेटेड थ्रू लंग्स। तो आप कहेंगे सर सुसुपोटी तुम जाते हैं तो जाइए यार, पर 70% तो ब्रीदिंग से ही निकलेगा कचरा बॉडी का। शायद ये लाइन रामदेव बाबा जी को बहुत अच्छी लगेगी और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स योगा या एक्सरसाइज करते हैं उनको भी अच्छी लगेगी कि 70% हमारी बॉडी का वेस्टेज किससे बाहर जा रहा है, लंग्स के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा जा रहा है। तो देखिए ब्रीदिंग के ऊपर इतनी जो मेडिटेशन क्लासेस है, जो इतना जो योगा चल रही है, रीजन यही है स्टूडेंट्स कि हम अपनी ब्रीदिंग को अनुलोम
belong, तो हम ये सब ये words बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, मेरे को नहीं आते, मैं चाहता हूँ आपको जरूर आते होंगे, right? मुझे करना तो नहीं आता, पर हाँ, exercise बहुत अच्छे से करता हूँ, इसलिए मेरी body fit and fine रहती है। Two lungs have 300 million alveoli. मैंने आपको बोला था अभी 300 से 500 के बीच में alveoli मिलते हैं हमारी body के अंदर, तो दो lungs के अंदर यानी कि दोनों lungs के अंदर अगर हम count करें alveoli तो 300 million alveoli हमारे अंदर पाए जाते हैं। Children and women have more breathing rate. तो आपको बता दें students, जो बच्चे और जो women हैं उनकी breathing rate थोड़ी सी ज़्यादा रहती है किसके मुकाबले, men के मुकाबले, ध्यान रखिएगा। तो आपको कुछ बातें, कुछ facts अच्छे लगेंगे और interesting लगेंगे। The another reason is child laughs 300 times per day. अब ठीक है सर, ये लाइन आपने यहाँ क्यों लिखी? इस लाइन का तो कोई correlation ही नहीं है। है students, है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम जब हंसते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन भी ज्यादा इंटेक होती है, आप नोटिस करना कभी भी, हमारी जो मसल्स हमको रिलैक्स ज्यादा मिलता है, इवन फेशियल मसल्स को। तो देखो चाइल्ड लाफ 300 टाइम्स अ डे, ऐसा क्यों लिखा? रीजन इज ओनली वन, बिकॉज एडल्ट लाफ हार्डली 15 to 100 टाइम्स इन अ डे। 50 बार से भी ज्यादा आप दिन में नहीं हंसते, बच्चा 300 बार हंस लेता है। तो क्यों ना हम अपनी स्माइलिंग और ज्यादा बढ़ाएं ताकि हम भी अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए हंसो मेरे साथ, खुश रहो, मैं भी चाहता हूं। इसीलिए आपको मैंने प्लेलिस्ट में, एमआर प्लेलिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स 100 अबव वीडियोस दे दिए ताकि आप उनको भी देखकर सेलेक्ट हो सकते हैं एज अ एमआर जॉब, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं सर हम तो आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट और ये सब चीजें भी जरूरी है स्टूडेंट्स, हम आपको इनवाइट भी करते हैं, टेलीफोन भी पढ़ाते हैं, बुक्स भी देते हैं, सब चीजें, सारी चीजें स्टूडेंट्स, व्हाट एवर द वे यू प्रेफर, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारा नंबर ले सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट एवर यू फील इज गुड। चलते हैं हम आगे, वी कैन लिव विद सिंगल लंग्स, मैं आपको बता चुका था ये बात, राइट? हम चलते हैं हमारे डिजीजेस पे, तो लंग्स की डिजीजेस क्या क्या होती है, तो आपको बता दूं, द फर्स्ट डिजीज दैट इज एजमा। आप कहेंगे सर हम तो इसको अस्थमा बोलते हैं, बोलिए वो भी सही है, पर जो मैं तो अपने बच्चों को अमेरिकन इंग्लिश भी सिखाता हूं, इसलिए हम तो इसको एजमा ही वर्ड यूज करते हैं। हम डेंगू नहीं बोलते, हम डिंगी बोलते हैं। कुछ वर्ड्स है, मेरे स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखना, मैंने 200 वीडियोस डाल रखे हैं आपके इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं रोज एक वीडियो देख लो, 4-5 महीने अच्छे से सीखते रहो और अपनी इंग्लिश फ्लरिश कर लो। तो यहां पर इस एजमा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो इन्फ्लेमेशन तो आप जानते हैं राइट, टिश्यूज रिएक्शन टू इंजरीज टू बी नॉन एज इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शंस, जिसे हम फंक्शनल एसिया बोलते हैं, राइट? उसमें क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड बाहर आता है, दो इंजाइम्स बनती है, कॉक्स 1 कॉक्स 2, PG1 PG2, कॉक्स 1 हमारा फ्रेंड होता है, कॉक्स 2 हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है? अल्सर, ब्लीडिंग कैरी करता है, ज्यादा हो जाएगा, है ना? मैंने NACID में आपको दिया था, पढ़ लेना वहां। NACID मैंने एक टॉपिक दिया था, बहुत काम आएगा, दर्द की दवाई, आप प्लीज उस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा हमारा। हम बढ़ते आगे, हमने एजमा कर लिया, देयर इज अनदर डिजीज दैट इज निमोनिया, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में बहुत हो जाता है, इंफेक्शन इन लंग्स बड़ा कॉमन है, राइट स्टूडेंट? अनदर इज ब्रोंकाइटिस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू स्मोकिंग, डस्ट और माइट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है, जो लोगों को ब्रोंकाइटिस, इवन लंग्स कैंसर भी स्मोकिंग से ही होता है स्टूडेंट। तो प्लीज अगर आप में से कोई स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज अवॉइड कर दो, बहुत बेकार चीज है, उस पैसे को कहीं चैरिटी में लगाओ, आपकी आत्मा बड़ी खुश रहेगी। आगे बढ़ते हैं, एम्फिसीमा, that is alveoli damage, difficult in breathing, again alveoli get damaged and the problem is to be known as emphysema. Students, ये कोई diseases थी, वैसे तो मैं आप diseases आप जानते हैं, बीमारियों का भंडार है, पर ये 4-5 बीमारियां मैं आपके लिए common लेकर आया। इसके साथ ये lungs topic है, मैं आपको इसे conclude कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये topic आपको बहुत अच्छा लगा और जो मेरा बताने का जो simple way था उससे आपको ये समझ भी आ गया होगा, right students? अगर आपको अभी भी कुछ कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो लिखना लिख दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टूडेंट्स इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए करें हमारे वीडियोस को, ताकि आपके और ब्रदर सिस्टर्स को भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि आप एक नेक व्यक्ति है। इसके साथ में मैं एक बार टॉपिक को रिवाइज करूंगा स्टूडेंट्स, गो थ्रू द लंग्स टू नॉस्टिल्स, नेसल चैम्बर, नेसोफेरेंक्स, एंड देन कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ट्रैकिया। थैंक यू।